मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हम मनाने वाले हैं डोसा, तो बैटर वगैरह मैंने सब घोल लिया है और आलू भी बना लिया है। ये आलू मैंने अभी कुकर में चौक लिया था, तो बढ़िया से आलू हो गया एकदम टेस्टी सा मस्त सा। तो इसी में हम बनाएंगे सांभर। और बैटर घोला है और रख दिए इसको इमली को मतलब बॉयल होने के लिए। और ये भी मैंने तोड़ लिया है नीम पत्ती। तो हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी और देखते हैं डोसा कैसा बनता है। अभी चटनी बना लेते हैं, उसके लिए मैंने मंगाया है मूंगफली और खास मूंगफली का चटनी बनेगा और सांभर। तो सांभर देखते हैं अगर रेसिपी हम डालते हैं या फिर नहीं डाल पाते हैं, मेरे ऊपर है क्योंकि ट्राईपॉड मेरा टूट गया है तो दिक्कत होगी मुझे, हाथ दर्द हो जाता है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं फटाफट काम, क्योंकि डोसा बनाया आया का डिमांड था कि मुझे डोसा खाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना देते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मेरा चटनी रेडी है, बैक कैम लेके खाते चटनी और सामने दोनों रेडी है। तो सबसे पहले मैंने इस पे पानी डाला था, तो इसको मैंने पोंछ लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे ये, तेल नहीं डालना है इसके ऊपर, ये डाल देते हैं। इसको मैंने इस पे डाल दी है। अब इसको डोसा बन रहा है, ये बढ़िया से पकेगा, एक तरफ पक जाएगा तो एकदम क्रिस्पी बनेगा। तो इसको अभी छेड़ेंगे नहीं, इसको पकने देंगे धीरे धीरे। इसको घुमा घुमा के सेक लेते हैं ताकि ये कहीं से कच्चा ना रहे। डोसा ये आलू है चपक गया था है ना। तो ये किसका किसके साथ होता है, मतलब पहला डोसा ये देखिए कितना क्रिस्पी बना था, एकदम मस्त बना हुआ था ये देखिए। भगवान का ये वाला अच्छा हो जाए। ये वाला मेरा पहला डोसा, हमेशा तो नहीं लेकिन इस बार पहला डोसा वैसे खराब ही हो जाता है। कितना प्लेन बना हुआ है, कितना मस्त, बहुत क्रिस्पी है डोसा बना हुआ है ना, कितना मस्त। ये देखिए मेरा डोसा ऐसे ही बनता है एकदम क्रिस्पी, बहुत अच्छा।
तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा है। और ये देखिए है ना, मैं बनाया हूँ वैसे हमेशा जब भी बनाते हैं टेस्ट एकदम ज़बरदस्त वाला ही रहता है, बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा। कई लोग होते हैं ना बनाते हैं जैसे चिल्ला लगता है या फिर जैसे पराठा वगैरह सेक देते हैं उस तरह लगता है, लेकिन ये वाला एकदम क्रिस्पी, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत मस्त।